हेलो फ्रेंड्स, ये आज हम BTS किचन बनाएंगे जो कि देखिए कितना स्मार्ट सा लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है और बहुत आसान भी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम BTS का लोगो बनाएंगे। उसके लिए एक ऐसे नॉट ले लेंगे, ये इसमें हम 15 चेन बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, देखिए ये 15 चेन हमने बना दिया है। इसके बाद एक 15 वाला चेन छोड़कर यहाँ पे हमें एक यहाँ पे यूँ हमें सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। 14 चेन से हमें एक चेन छोड़ना था, उसके बाद से हर एक में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया पूरे में करते जाना है। तो मैं सब में सिंगल क्रोशिया हर एक फंदे में इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर ले रही हूँ। देखिए बताती हूँ फिर से, ये देखिए यहाँ पे ऐसे डालना है हमें, फिर यूँ, फिर ऐसे, यहाँ ये डालना है, फिर ऐसे निकालना है और फिर ऐसे। तो मैं पूरा यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ, पूरा 14 ये हमने 14 बना लिया सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन लेना है और इधर से भी देखिए बताती हूँ अच्छे से, इधर से ये पहले वाले चेन में नहीं बनाना है, ये फंदे में नहीं बनाना है, सेकंड फंदे में हमें बनाना है। और इधर से भी एक फंदा छोड़ना है और इधर से भी एक फंदा छोड़ना है, यानी कि हमें 12 बनाना है। तो मैं कम से कम 10 यहाँ तक बना देती हूँ, फिर उसके बाद इधर बताती हूँ कैसे करना है। तो मैं सिंगल क्रोशिया कर, देखिए मैंने 11 सिंगल क्रोशिया कर लिया है। और फिर देखिए यहाँ पे दो बच रहा है, एक और दो, इसको छोड़कर हमें लास्ट वाले में ऐसे डालकर हमें और एक ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो हमारा ये पूरा टोटल 12 ही हुआ, एक इधर छोड़ा हमने, एक इधर छोड़ा है। फिर ऐसे एक चेन लेना है, फिर ये वाला फंदा हमें छोड़ देना है, देखिए ये वाला फंदा हमें छोड़ देना है और इस वाले फंदे में हमें फिर से करना है सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब हमें 10 करना है सिंगल क्रोशिया। तो फिर सब में हम करते जाएंगे और जब लास्ट में यहाँ आएंगे तो इसको हम छोड़ देंगे और लास्ट में हमें कर देना है, ठीक है। ये वाला छोड़ देंगे और देखिए हमने पूरा 10 फंदे बना लिए हैं। अब हम अभी हमें एज इट इज सब में पूरे में हमें पहले 10 बना लेना है, सब में हर एक में, हर एक फंदे में हमें इस वाले राउंड में, ये फोर्थ राउंड है हमारा, इसमें पूरा हमें 10 के 10 बना लेना है। तो मैं पूरा एंड तक बना के दिखाता हूँ। देखिए हमारा ये फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब मैंने फिर से एक चेन लेना है और फिर एक इधर फंदा छोड़ना है। अब 9 हमें वो बनाना है, 9 इधर का तो छोड़ दिया यहाँ, लेकिन हमें पूरा बनाना है। यहाँ हमने एक छोड़ दिया है, दूसरे से बना रहे हैं हम, अब 9 बन जाएगा क्योंकि एक छोड़ा है हमने। इसी तरीके से मैं पूरा बनाती हूँ इस तरह से, और हर एक में हमें इसी तरह से टाइट करके बनाना है। इसमें हमें स्किप नहीं करना है, पूरे 9 बन गए। फिर से ये हमारा एक चेन लेंगे, अब इधर से छोड़ेंगे, एक से हम छोड़ेंगे, यहाँ से हमें बंद करना है। तो हमारा हो गया, देखिए मैंने बना लिया। अब ये 8 हो गया फंदे, अब हमें एक चेन लेना है इसको और ये बंद कर देना है। यहाँ हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, ये हमारा BTS का बन गया है। ये देखिए लगेगा अंदर की तरफ छुप जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। और एक और मैंने ऐसे ही ये बना लिया, इसमें थोड़ा धागा छोड़ दिया है सिलाई करने के लिए, कुछ इस तरह से हमें लगाना होता है, तो हम ऐसे बना देंगे। इसके लिए बेस बना रही हूँ मैं, तो इन सब के लिए हमें बेस बनाना है। तो चलिए बेस बनाते हैं पर्पल कलर के धागे से। इसके लिए
देखिए मैंने डार्क पर्पल कलर लिया है, इसके लिए बेस बनाने जा रहे हैं हम। इसके लिए मैं ये देखिए मैं गोल राउंड शेप का बेस बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें मैजिक रिंग लेना है यू। इसके बाद हमें दो चेन करना है, दो चेन हो गया। ये यू करके हमें 8 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 ऐसे फंदे लेके यहाँ 3 हो गया। तो मैं पूरा 3 बनाया मैंने और पूरा 7 बनाऊंगी तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि ये दो चेन वाला लिया हुआ है हमने। पूरा राउंड कंप्लीट, ये देखिए पूरा मैंने 7 बना दिया, टोटल 8 हो गया। ऐसे मैंने धागा खींच दिया है। अब जो पहला ये जो दो चेन किया था ना हमने, इसमें हमें यहाँ पे यूं ऐसे, एक सेकंड, ऊपर वाले चेन में हमें ऐसे सिंगल ऐसे स्लिप नॉट से इसे जोड़ देना है। उसके बाद से हमें दो चेन लेना है और जहाँ दो चेन लिया था जहाँ से वहीं पे हमें एक और सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें जैसे 8 हमने फंदा बनाया था, 8 में हमारा 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक फंदे में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है हर एक फंदे में, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट फंदे में हम बना रहे हैं इसके और दो दो बनाना है। तो जो 8 बना है डबल क्रोशिया वो हो जाएगा हमारा 16। तो ये पूरा मैं 16 बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए मैंने 16 बना लिया। अब ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ हमें फिर से ऊपर वाली चेन में इस तरह से स्लिप नॉट से जोड़ लेना है। फिर से हमें 3 चेन अप कर लेंगे। अब इसी जहाँ हमने जोड़ा है यहीं पे हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। अब एक में 2 डबल क्रोशिया और एक फंदे में 1 ही डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है। तो 8 3 का 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 जा 24 हो जाएगा। एक फंदे में हमें 1 बनाया, एक फंदे में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। शुरू वाला तो एक 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट वाले में सिर्फ 1, फिर उसके नेक्स्ट में हमने 2 बनाया, उसके नेक्स्ट में सिर्फ 1 ही बनाया हमने, ठीक है। ऐसे ही हमारा पूरा रो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा 24 ये फंदे बन जाएंगे हमारे, पूरा बनाती हूँ। देखिए हमने इतना बना लिया। अब फिर से हमें इसमें जो ऊपर का चेन था ना, तीसरा चेन, उसमें हमें करके अब फिर से 3 चेन फिर से इसी यहीं पे हमें एक डबल क्रोशिया। अब हमें 2 अलग अलग फंदों में एक ही बनाना। देखिए इसमें हमने चेन के साथ ही एक बना लिया। अब हमें इसके नेक्स्ट वाले यहाँ नेक्स्ट वाले फंदे में सिर्फ 1 ही डबल क्रोशिया बनाना है, उसके नेक्स्ट भी हमें सिर्फ 1 ही बनाना है। अब 2 अलग अलग फंदों में हमें एक, ये देखिए हमने ये वाला भी राउंड कंप्लीट कर दिया। 1 2 3 4 चौथा राउंड है। अब हम इसमें फिर से ये यहाँ पे यूं करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। एक चेन लेकर हमें कट कर देना है, फिनिश हो गया हमारा। अब देखिए हमने जो बना रखा था उसको हम छुपा देंगे नीचे। देखिए हमने जो बनाया था इसको इस तरह से ABTS लोगो इस तरह से हमें अटैच करना है। और सुई, देखिए धागा मैंने छोड़ा था ना, सुई लगा लिया है और इसको अच्छे से अटैच करके यहाँ पे हम दोनों साइड का सिल लेंगे बराबर करते हुए। तो मैं पूरा ये सिल को दिखाती हूँ इससे। देखिए ये हमने सिल लिया है पूरा। अब मैं यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे BTS लिखूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं BTS, तो ये सुई धागे के हेल्प से ही बना दूंगी मैं। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से ये बनाया और चेन स्टिच से हम बनाएंगे। तो यू ऐसे, ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। नीचे धागा छोड़ देंगे, बाद में बंध जाएगा ये। फिर इसमें ही है चेन स्टिच है,
से ही हमें आगे बढ़ना है, इस तरह से, और इसी तरह से हमें फिर इसी फंदे में डालना है बीच में, और हमें मुड़ना है, इस तरह से हमें मुड़ना है, ये लिख लेना है इसलिए उधर हो रहा है। ऐसे। ठीक है, और यहाँ हमें थोड़ा से डाल देना है। देखिए हमारा ऐसे ऐसा हो गया, ये सब बन गया। अब हमें फिर से इसी में ऐसे डालकर ही बनाना है, चूंकि तो हम फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। और फिर ये नीचे के साइड में ले जाना है, एक बार और क्रॉस करेंगे हम, पूरा ये भी बन जाएगा हमारा। ये बन गया, अब हम ऐसे इस तरह से कर लेंगे। देखिए हमारा भी बन गया है, देखिए। अब ऐसे ही हम यहाँ टी बनाएंगे और यहाँ एस बनाएंगे। पूरा मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने लिख लिया है चेन स्टिच से, और ये किचन लगा लिया है। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं